द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड ग्रुप्स. व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप? ब्लड ग्रुप होता क्या है? ये 1900 की बात करेंगे हम, जिसमें लैंड स्टीनर ने ये स्टेटमेंट दिया कि पीपल जो है, जो लोग हैं, उनका ब्लड जो है वो हम चार ग्रुप्स में, वो चार ग्रुप्स में क्लासिफाई होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ब्लड. दैट मीन्स द ब्लड पॉजेसेस फोर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ब्लड. जो ये नेचर ऑफ ब्लड जो है, जो उसने स्टेटमेंट दिया लैंड स्टीनर ने, ये उसने इस प्रेजेंस में दिया कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द RBCs. तो उसके लिए, मतलब जो कि नेचर है एंटीजेंस का, जो कि RBCs में प्रेजेंट है, तो ये उस पर स्टेटमेंट दिया गया है कि मतलब कितने हम ब्लड ग्रुप्स को क्लासीफाई कर सकते है. द एंटीजन्स डिटेक्टेड बाय द लैंड स्टीनर आर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. दो एंटीजन्स उसने डिटेक्ट किए, वन वॉज द एंटीजन ए एंड अनदर वॉज द एंटीजन बी. तो ग्रुप्स को भी क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंड स्टीनर लॉ, विच इज़ कॉल्ड, दैट कैन बी रेफर्ड एज द ब्लड ग्रुप्स. तो अगर हम बात करेंगे तो कितने ग्रुप्स बनाए गए? देयर वेयर फोर ग्रुप्स टू बी द स्टेटेड बाय द लैंड स्टीनर. द फर्स्ट ब्लड ग्रुप वॉज ए, सेकेंड वॉज बी, थर्ड वन वॉज ओ एंड फोर्थ वन वॉज ए बी. दैट मीन्स दीज आर द फोर ग्रुप्स विच वेयर स्टेटेड बाय द लैंड स्टीनर. तो अगर हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो जो अगर हम उसकी एंटीजन देखेंगे, जो उसमें एंटीजन्स रहते हैं RBCs पे, उसमें हम कह सकते हैं उसमें ए एंटीजन हो सकता है. और अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, जो प्लाज्मा में रहता है, दैट इज़ द एंटीबॉडी बी. अब इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप बी, देयर इज़ द एंटीजन ऑन RBC विच इज़ बी एंटीजन, एंड द एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा इज ए. इफ देयर वी विल टॉक अबाउट ओ, देयर इज नो एंटीजन एंड द एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा इज एंटी ए एंड एंटी बी. बोथ एंटीबॉडीज देखी जाएंगी प्लाज्मा पे, दैट इज द एंटी ए एंटी बी. इफ नाउ वी विल टॉक अबाउट ए बी, वट इज़ द ब्लड AB ब्लड ग्रुप, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हम एंटीजन देख सकते हैं. वी कैन सी एंटीजन ऑन RBCs दैट आर ए एंड बी. उसमें ए एंटीजन भी पाया जाएगा और उसमें बी एंटीजन भी पाया जाएगा. अब अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे हम, देयर इज़ नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप AB. AB में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा. तो अगर हम लैंड स्टीनर की बात करेंगे, जो पर्सन का ब्लड है, एक पेशेंट का ब्लड अगर देखा जाए जिसमें कि कोई एंटीबॉडी ना हो अगेन एज द एंटीजन प्रेजेंट ऑन हिज ओन RBCs, जो ब्लड है उसका, दैट स्ट्रिक्टली कंटेन्स एंटीबॉडी अगेन एज द एंटीजन विच इज़ नॉट टू बी प्रेजेंट ऑन RBCs. अगर हम बात करेंगे लैंड स्टीनर की, 1942 में उन्होंने दूसरा डिटेक्शन निकाला था, लैंड स्टीनर और विनर ने, उन्होंने डिटेक्ट किया था दूसरा और एक एंटीजन RBCs पे, विच वॉज रेफर्ड एज द एंटीजन डी. फर्स्ट ऑफ ऑल दे जस्ट डिटेक्टेड टू एंटीजन्स दैट वेयर ए एंड बी, बट इन 1942 दे स्टेटेड अनदर एंटीजन विच वॉज रेफर्ड एज द एंटीजन डी. तो जो एंटीजन डी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिसस फैक्टर. उसको हम रिसस फैक्टर कह सकते हैं, और शॉर्टली वी कैन कॉल इट RH फैक्टर, क्योंकि देखा जाता है जो ये एंटीजन है, ये पहले हमें देखा गया, डिटेक्ट किया गया रिसेस मंकीज में. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रिसेस फैक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द एंटीजन्स, दैट इज द एंटीजन ए बी एंड डी ऑन द RBCs, ब्लड मे बी ऑफ ए टाइप्स. अगर हम बात करेंगे, अगर हम देखेंगे जो ब्लड है, ब्लड को डिफरेंशिएट किया जाएगा आठ टाइप्स में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और वी कैन से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन्स, दैट इज द एंटीजन ए बी एंड डी, जो कि RBCs में एब्सेंट रहती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग. अगर ब्लड ग्रुपिंग की बात करें हम, तो हमने बोला जो ब्लड ग्रुप्स है उनको आठ टाइप्स में हम स्टेट कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट ब्लड ग्रुप रिमेन्स देयर, दैट इज द AR पॉजिटिव.
ए रिसेस पॉजिटिव, उसमें एंटीजन की अगर हम बात करेंगे जो कि एंटीजन उसमें आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, दैट विल बी द एंटीजन ए, दैट विल बी एंटी डी. एंड इफ विल वी टॉक अबाउट एंटीबॉडीज ऑन प्लाज्मा, देन इट विल बी एंटी बी एंटीबॉडीज. इफ वी विल टॉक अबाउट नाउ ए रिसेस फैक्टर, ए रिसेस नेगेटिव, इफ वी विल टॉक अबाउट ए नेगेटिव, तो उसमें अगर हम बात करेंगे एंटीजन की, दैट विल बी द एंटी ए एंड द एंटीबॉडी विल बी एंटी बी एंड एंटी डी. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड ब्लड ग्रुप, दैट इज द बी. इफ देयर इज बी रिसेस पॉजिटिव, देन वी कैन से, इफ देयर इज बी पॉजिटिव, दैट वी कैन से देयर शुड बी द एंटीजन ए डी एंड द एंटीबॉडी शुड बी बी एंड डी. इफ वी विल टॉक अबाउट बी नेगेटिव, बी रिसेस नेगेटिव, देन द एंटीजन शुड बी एंटीजन बी एंड द एंटीबॉडी शुड बी एंटी ए एंटी डी. नाउ द थर्ड वन इज द थर्ड ब्लड ग्रुप इज द ए बी. वेन वी विल टॉक अबाउट ए बी रिसेस पॉजिटिव, दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव, देन द एंटीजन विल बी ए बी डी. तो इनमें हम तीनों एंटीजन्स देखेंगे, देयर विल बी ए, देयर विल बी बी एंटीजन, देयर विल बी डी एंटीजन, दैट मीन्स देयर विल बी नो एंटी बॉडी. इफ वी विल टॉक अबाउट ए बी नेगेटिव, दैट रिमेन्स देयर एंटीजन ए बी. इफ देयर इज ए बी नेगेटिव, देन देयर द एंटीजन शुड बी ए बी एंड देयर शुड बी डी एंटी बॉडी. नाउ द लास्ट ब्लड ग्रुप, दैट इज द ओ. ओ में भी दो टाइप्स है, एक आता है ओ पॉजिटिव और आता है ओ नेगेटिव. अगर हम ओ पॉजिटिव की बात करें, उसमें हम एंटी डी देखते हैं और एंटीबॉडी उसमें ए देखते हैं, बी देखते हैं. अब अगर ओ नेगेटिव की बात करें, उसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है, ए बी एंड डी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज इट कंटेन्स नो एंटीजन.